Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Math Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. देखो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स क्लियर करूंगी कि एक्चुअली अकाउंटिंग होता क्या है. ये जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है. 10th क्लास तक आप लोगों ने इसके बारे में कोई भी ABCD नहीं पढ़ी. तो 11th क्लास में जब अकाउंट सब्जेक्ट बच्चों के पास आता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि अकाउंटिंग होता क्या है. तो ये मेरा बेसिक वीडियो लेक्चर है, इसे आप जरूर देखना क्योंकि इसे देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग कैसे करता है. क्योंकि जो अकाउंटिंग है ये एक प्रोसेस है. हम इसे प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. जब एक बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है तो उसे बहुत सारी स्टेप्स लेनी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज उसे फॉलो करनी होती है अकाउंटिंग प्रोसेस में. तो आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स, अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग के स्टेप्स लिखने में कैपेबल हो जाएंगे. तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना. क्योंकि देखो ये बेसिक लेक्चर है, अगर आपको बेस क्लियर हो जाता है तो आगे आप इजीली टर्म्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि अकाउंटिंग को हम एक प्रोसेस डिफाइन क्यों करते हैं. देखो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं. अगर आप ये स्टेप समझ जाते हैं तो आप इजिली अकाउंटिंग के डेफिनेशन भी डिफाइन कर पाएंगे. तो सबसे पहली स्टेप आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. इट आइडेंटिफाइज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. देखो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है कि नहीं है. जैसे देखो ये रामलाल है, रामलाल ने एक बिजनेस शुरू किया है गारमेंट्स का. रामलाल ने एक गारमेंट का बिजनेस शुरू किया है, ठीक है. तो रामलाल दो तरह के ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, रामलाल ने दो तरह के ट्रांजेक्शन्स किए हैं. एक तो उसने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज की है और दूसरा उसने हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है. तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, यानी कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है. तो देखो जब वो गुड्स परचेज कर रहा है बिजनेस के लिए तो ये ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, यानी ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है. तो इसे हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे. दूसरा जो ट्रांजेक्शन है हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है? नहीं, ये उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन है, घर का ट्रांजेक्शन है. तो इसे हम बिजनेस की बुक्स में नहीं दिखाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ट्रांजेक्शन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है. अगर ट्रांजेक्शन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है तो उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है कि नहीं है, क्लियर. अब आती है नेक्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या होता है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन. आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. देखो जिस ट्रांजेक्शन को आपने आइडेंटिफाई किया है अब आप उसे मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं, यानी उसकी आप मनी की टर्म्स में वैल्यू निकालते हैं. जैसे देखो रामलाल ने 5 मशीन परचेज की है, 1000 मीटर क्लोथ परचेज किया है, 10 चेयर्स परचेज की है, 10
टेबल्स परचेज की है। तो इस तरह से जो भी उसको बिजनेस में रिक्वायर्ड आइटम्स हैं उसने परचेज किए हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं जो उसने परचेज किए हैं। तो क्या हम सारे आइटम्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे, जैसे 5 मशीन है, 1000 मीटर कपड़ा है, 10 चेयर है, 10 टेबल है, तो क्या इस तरह से हम रिकॉर्डिंग करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, इन्हें मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, इन्हें मनी की टर्म्स में मेजर करेंगे। जैसे उसने जो 5 मशीन खरीदी है वो सपोज उसने 10 लाख रुपए की परचेज की है, 1000 मीटर जो उसने कपड़ा खरीदा है सपोज उसने 20000 रुपए का परचेज किया है, 10 चेयर जो उसने परचेज की है सपोज उसने 30000 रुपए की परचेज की है, 10 टेबल उसने 25000 रुपए की परचेज की है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए थे उनको मनी टर्म्स में मेजर करने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गई कि सेकंड स्टेप में जो भी हम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन्हें मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं, ये होती है सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी? फर्स्ट स्टेप थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तो दो स्टेप आपको क्लियर हो गई। थर्ड स्टेप आती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, ईच ट्रांजैक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसे मनी की टर्म्स में मेजर किया। मनी की टर्म्स में मेजर करने के बाद हम उसे एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम कहते हैं जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल ये एक बुक होती है। इस बुक में हम सारे परचेज और सेल से रिलेटेड जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम कहते हैं जर्नल। इसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं क्योंकि इनिशियली ट्रांजैक्शन इसी में रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो देखो, जब बिजनेस छोटे साइज का होता है तो ये पॉसिबल होता है कि एक ही बुक में हम हर तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, लेकिन जब बिजनेस का साइज ग्रो हो जाता है, बिजनेस का साइज बढ़ जाता है, तो हम जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं इनटू 8 पार्ट्स। पहला है कैश बुक, दूसरा है परचेज बुक, तीसरा है सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। यानी जब बिजनेस ग्रो करता है, जब बिजनेस का लार्ज साइज हो जाता है, तो एक ही बुक में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम जर्नल को डिवाइड कर देते हैं इनटू 8 पार्ट्स। इन्हें हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स, ये बुक्स क्या होती है ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जब मैं आगे वीडियो लेक्चर्स एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगी कि ये सारे बुक्स क्या होती है और किस तरह से इन बुक्स में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो, जैसे हमने आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को कैसे मेजर किया था, 10 लाख रुपीज मशीन के थे, 20,000 रुपीज क्लोथ के थे, 30,000 रुपीज चेयर्स के थे, 25,000 रुपीज टेबल के थे। तो इस तरह से जो मनी वैल्यू है उसे रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। समझ आया? तो यहाँ तक आपको 3 स्टेप समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, सेकंड स्टेप में मनी की टर्म्स में उसे मेजर करते हैं, और थर्ड स्टेप में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मीन्स ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट नोन एज लेजर। देखो, क्लासिफिकेशन में क्या होता है
कि हम सिमिलर नेचर के आइटम्स के ग्रुप बना लेते हैं, उन्हें हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं सेपरेट अकाउंट में जिसका नाम है लेजर। जैसे देखो जर्नल में हमने सारे परचेज और सेल से रिलेटेड सारे आइटम्स एक ही बुक में रिकॉर्ड किए हैं, जैसे हम सारी सेल्स एक ही बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम सारी परचेजेस एक ही बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी एक्सपेंसेस सारी इनकम एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो ये जर्नल है जिसमें हमने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे परचेज से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, एसेट से रिलेटेड हो, यानी हर तरह का ट्रांजैक्शन हमने इसमें रिकॉर्ड किया है। लेकिन जब आप सिमिलर नेचर के आइटम्स की ग्रुपिंग करते हैं, जैसे ये सेल्स के आइटम्स है, इन सेल्स के आइटम्स की आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, सेल्स से रिलेटेड आइटम्स को आप एक जगह इकट्ठा करके एक ही अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं लेजर। तो आप यहाँ एक सेल्स का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लेजर। इसी तरह से जितने भी परचेजेस से रिलेटेड आइटम्स है, इन सब आइटम्स को हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, इनके ग्रुपिंग कर रहे हैं, यानी जितनी भी परचेजेस जर्नल में है उन सबको हम एक जगह इकट्ठा करके एक सेपरेट अकाउंट खोल देते हैं जिसका नाम होगा परचेजेस अकाउंट। इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो समझ आया आपको क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन में यही होता है कि हम सिमिलर नेचर के आइटम्स की ग्रुपिंग करते हैं, एक जगह पर उन्हें इकट्ठा करते हैं और एक सेपरेट अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, एक्सपेंसेस अकाउंट है, इनकम अकाउंट है, इस तरह से बहुत सारे अकाउंट्स हम बनाते हैं। ये होता है लेजर पोस्टिंग में। तो अब तक हमने चार स्टेप्स कवर कर ली है। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप में हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, सेकंड स्टेप में उसे मेजर करते हैं मनी के टर्म्स में, थर्ड स्टेप में रिकॉर्डिंग करते हैं और फोर्थ स्टेप में हम क्लासिफाई करते हैं। क्लियर? अब आती है फिफ्थ स्टेप, दैट इज समराइजिंग। इट इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल टू द मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो समराइजिंग, ये आपको पता है जैसे आप कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो बाद में आप उसकी समरी बनाते हैं, इसी तरह से जो भी डाटा हमने प्रेजेंट किया है, जो भी डाटा हमने रिकॉर्ड किया है, अब उसकी समरी बनाते हैं और उसे एक ऐसे अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट करते हैं जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो, जो मैनेजमेंट को अंडरस्टैंडेबल हो। तो इसमें हम तीन चीज बनाते हैं। पहली है ट्रायल बैलेंस, दूसरी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरी है बैलेंस शीट। इन तीनों पर ही सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जब मैं आगे के वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगी, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है। अभी आप इतना समझ लो कि समरी हम बनाते हैं तो उसमें हम तीन चीजें बनाते हैं, एक है ट्रायल बैलेंस, दूसरा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा है बैलेंस शीट। क्लियर? तो समराइजिंग तक आपको समझ में आ गया? समराइजिंग तक हमने पांच स्टेप सीख ली है। पहली स्टेप क्या है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं और फिर हम समरी बनाते हैं, यानी डाटा को एक प्रेजेंटेबल मैनर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर so that users of financial data can make a meaningful judgment of profitability and financial position of business. अब देखो analysis और interpretation में क्या होता है कि जो business में chartered accountant होते हैं वो data को analyze करते हैं, उसे interpret करते हैं, यानी वो डाटा का फाइनल रिजल्ट्स निकालते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिली है, यानी जो भी उन्हें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मिली है
उसे वो एनालाइज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और एक फाइनल रिजल्ट तैयार करते हैं बिजनेस का। उस बिजनेस के रिजल्ट को वो प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से ताकि वो यूजर्स के लिए बेनिफिशियल हो। यूजर्स कौन होते हैं? देखो, यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होते हैं और दूसरे एक्सटर्नल होते हैं। ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी कि बिजनेस के यूजर्स कौन इंटरनल होते हैं, कौन एक्सटर्नल होते हैं। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि जो भी रिजल्ट सीए ने निकाला है उस रिजल्ट को यूजर्स के सामने रिप्रेजेंट करता है ताकि वो एक मीनिंगफुल जजमेंट ले सके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। क्लियर? तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में यही होता है कि जो बिजनेस के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो डाटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और जो यूजर्स हैं उनके सामने मीनिंगफुल वे से उस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन को समझा जा सके। क्लियर? तो अब तक हमने 6 स्टेप समझ ली। 6 स्टेप में क्या है? पहली है आइडेंटिफिकेशन, दूसरी है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, तीसरी है रिकॉर्डिंग, चौथी है क्लासिफिकेशन, पांचवी है समराइजिंग और छठी है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आती है लास्ट स्टेप, दैट इज कम्युनिकेटिंग। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स हु एनालाइज देम एज पर देयर पर्सनल रिक्वायरमेंट। यानी बिजनेस का जो भी रिजल्ट आता है उसे कम्युनिकेट किया जाता है, जो भी फाइनेंशियल डाटा है उसे कम्युनिकेट किया जाता है यूजर्स के पास ताकि वो एनालाइज कर सके अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डिसीजन ले सके। ये होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में यही होता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट बताती है, अपना टर्नओवर बताती है ताकि जो यूजर्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सके। तो देखो, ये 7 स्टेप कंप्लीट हो गई है अकाउंटिंग प्रोसेस में। पहली है आइडेंटिफिकेशन, दूसरी है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, तीसरी रिकॉर्डिंग, चौथी क्लासिफिकेशन, पांचवी समराइजिंग, छठी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और सातवी आती है कम्युनिकेटिंग। तो मैंने एक निमोनिक तैयार करा है आपको अकाउंटिंग प्रोसेस तैयार करने के लिए। निमोनिक क्या है? आई एम रिकॉर्डिंग कंपनीज अकाउंट। देखो, आई, आई से क्या बन जाएगा? आई। एम से बन जाएगा एम, आर से बन जाएगा रिकॉर्डिंग, सी एस से बन जाएगा कंपनीज और ए सी से बन जाएगा अकाउंट। तो आप इस निमोनिक को ध्यान रखना, आई एम रिकॉर्डिंग कंपनीज अकाउंट, तो आप सारे स्टेप्स इजीली लिख पाएंगे। कैसे? जब आप आई बोलेंगे तो आई से बन जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एम बोलेंगे तो एम से बन जाएगा मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग ही होगा, और जब आप कंपनीज बोलेंगे तो कंपनीज में सी और एस दोनों आ जाएंगे, सी से बन जाएगा क्लासिफिकेशन और एस से बन जाएगा समराइजिंग, और जब आप अकाउंट बोलेंगे तो ए से बन जाएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और सी से बन जाएगा कम्युनिकेशन। देखो, अगर आपको ये निमोनिक याद है तो आप एट्रीब्यूट्स लिख पाएंगे, आप एट्रीब्यूट्स लिख पाएंगे अकाउंटिंग के, आप करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स लिख पाएंगे, आप प्रोसेस लिख पाएंगे, आप स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग लिख पाएंगे। यानी इस निमोनिक से आप 4 क्वेश्चन के आंसर इजीली दे पाएंगे क्योंकि चारों क्वेश्चंस में सेम ही आंसर होगा। ये जो स्टेप्स मैंने बताई हैं, ये ही स्टेप्स आएंगी, 7 स्टेप्स आएगी इन चारों क्वेश्चंस में। अब देखो, जब आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ गई तो आप अच्छे से इसकी डेफिनेशन अपने बिहाफ पे लिख सकते हैं। डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ।
ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। तो देखो जो ये डेफिनेशन है ये इसी लैंग्वेज में आपको डिफाइन करनी है, आप इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। तो आपको लैंग्वेज यही रखनी पड़ेगी, लेकिन देखो जब आप इसे एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 की 7 स्टेप्स इसमें इंक्लूडेड है। जैसे देखो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग यहाँ आ गया, क्लासिफाइंग आ गया, समराइजिंग आ गया इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरिंग आ गया, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, तो आई आ गया, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, इसमें ए और सी दोनों आ जाएंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो देखो ये 7 की 7 टर्म्स इस मीनिंग में भी यूज हुई है। तो ये 7 स्टेप्स आपको ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 7 स्टेप्स मीनिंग में यूज होती है, कैरेक्टरिस्टिक में यूज होती है, एट्रीब्यूट्स में यूज होती है, प्रोसेस में यूज होती है और ये स्टेप्स में भी यूज होती है। होपफुली आज आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से अकाउंटिंग होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि 11th क्लास की पूरी अकाउंटिंग की बुक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पूरी अकाउंटेंसी आपको इजीएस्ट मैनर में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक माई वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।